महाजनी, मुझे तुमसे एक काम भी था। तुम्हें हिना याद है ना? शायद नाम भी हो। बहुत छोटी सी थी तुम जब ब्याह कर यहाँ आई थी। हाँ है ना, मैं कैसे भूल सकती हूँ वो नीली आंखों वाली लड़की। अब कैसी है वो? कुछ पता नहीं। क्या मतलब? भाई चंद सालों पहले वकार नाम का एक लड़का उसे निकाह करके दुबई ले गया था, और अभी चंद दिनों पहले मुझे एक अनजान नंबर से दुबई से कॉल रिसीव हुई है। मुझे शक है कि हिना इस दुनिया में नहीं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। हम भी यही दुआ कर रहे हैं। मैंने उसे काफी तलाश किया, और उसी तलाश में मुझे पता चला कि वो लड़का जो उसे दुबई निकाह करके ले गया था इसी मोहल्ले का था। क्या तुम इस नाम के किसी शख्स को जानती हो? नहीं जानती तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं पता करवा लूंगी। तुम्हारा असर व रसूख इस इलाके पर बहुत है। जब इस मोहल्ले का नाम सुना तो मुझे फौरन तुम्हारा ख्याल आ गया। मेरे पास एक तस्वीर है उस शख्स की, हिना के निकाह के मौके पर मैंने खिंचवा कर रख ली थी। ये लो, अपने शौहर को दिखा देना, हो सकता है कि वो पहचान जाए। मैं तस्वीर दिखाती हूँ आपको। आप इसको देख के इतना चौके क्यों? ये तो विकी है, लैला का साफ कशौर। जाहिद का दिया हुआ नंबर हमारे बहुत काम आया। जैसे ही विकी ने सेल फोन ऑन किया, हमने उसे ट्रेस करके पकड़ लिया। वो मैडम जी के पास जो नंबर था ना, वो विकी का पुराना नंबर था। अरे वो तो कब का बंद हो चुका था। ये खबीज जो है, वाकई विकी ही उस लड़की का शौहर था? शौहर? अरे शौहर नहीं भाई, विकी तो शादी के काबिल भी नहीं है। नामर्द है नामर्द। क्या क्या कहा आपने? क्यों तुम इस बात पर क्यों चौंक गए भाई? हैं? नहीं जी कुछ नहीं, वो मिल सकता हूं मैं विकी से? हाँ आप मिल सकते हैं।